सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। आज का जो सेशन होगा वो पार्ट टू होगा। अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड है ये चैप्टर और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसको समझिए, एंड तक देखिए वीडियो, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़े ही फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं और उनके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन होता है, और वो कैसे साउंड करते हैं, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का टॉपिक पार्ट टू। देखिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको क्लियर की कि कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो कैसे साउंड करते हैं, वो हम सीखेंगे। पार्ट टू, टाइल्स वाय, टाइल्स वाय। नंबर वन से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करूँगा, सीधा जर्मन अल्फ़ाबेट्स को मैं यूज़ करूँगा, बोलूँगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आपको पहले सेशन में सिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप सुनेंगे तो आपको रिकॉल होगा और आपको याद आएगा। शुरू करते हैं नंबर वन से। एनी वर्ड हैविंग ई ए, ई ए, तो साउंड करेगा ये इंग्लिश वाले ई की तरह, ई। एग्जाम्पल, डेयर फ्रीडन, डेयर फ्रीडन, इसका मतलब होता है पीस, ये एक नाउन है जर्मन में। और दूसरा एग्जाम्पल है फील, फील यानी कि मच। तो ई ए जिस भी वर्ड में आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ई। नंबर टू, एनी वर्ड हैविंग ए ई, ए ई, ये साउंड करेगा आई, सेम एज इंग्लिश आई। एग्जाम्पल, ब्लाइबन, ब्लाइबन, ये एक जर्मन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टे। और नीचे लिखा है मैंने राइजन, राइजन मीन्स टू ट्रेवल। ये दो कॉम्बिनेशन थे, आगे सीखते हैं। अच्छा, आप देखिए नंबर थ्री, एनी वर्ड, एनी जर्मन वर्ड हैविंग एस से हा, तो ये साउंड करेगा श, श। एग्जाम्पल, श्लाफन, श्लाफन, इसका मतलब होता है टू स्लीप, ये एक जर्मन वर्ब है। नीचे है डी शूह, डी शूह, इसका मतलब है शूज, डी शूल, डी शूल, इसका मतलब है स्कूल। तो एस से हा साउंड करेगा श। नंबर फोर, एनी जर्मन वर्ड एंड्स विथ ई गे, ई गे, तो ये साउंड करेगा इश, इश। एग्जाम्पल, वैनिश, वैनिश, इसका मतलब होता है अ लिटिल बिट, वैनिश। नंबर फाइव, एनी जर्मन वर्ड एंड्स विथ ए, ए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये साउंड करेगा अ, अ। एग्जाम्पल, आइगन, आइगन, इसका मतलब होता है ओन। तो लास्ट में जो मैं हल्का सा अ ऐड कर रहा हूँ वो इसी अल्फ़ाबेट्स की वजह से है। तो जितने भी वर्ड्स हैं आप सीखेंगे या जब भी पढ़ेंगे तो लास्ट में जब ए आएगा तो हल्का सा अ आपको ऐड करना है, आइगन, आइकन। आगे देखते हैं आप बाकी के कॉम्बिनेशंस। नंबर सेवन, एनी वर्ड विद एस एंड फॉलोड बाय एनी वॉवल, आ ए ई ओ उ, इट विल साउंड लाइक ज, ज, लाइक ज़ीब्रा इन इंग्लिश। एग्जाम्पल, डेयर जॉन, डेयर जॉन,
इसका मतलब होता है सन, समझ में आया होगा आपको। नंबर 8, एनी वर्ड विद सेट एंड फॉलोड बाय एनी वॉवल आ ए ई ओ उ, इट विल साउंड लाइक स स, हिंदी वाला स, लाइक सन इन इंग्लिश। एग्जाम्पल सेन, सेन इसका मतलब होता है 10। तो जर्मन न्यूमेरिक जो नंबर है, नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिक टर्म, उसमें 10 को हम सेन बोलते हैं, ठीक है। नंबर 9, एनी वर्ड, एनी जर्मन वर्ड विद एस एंड फॉलोड बाय पे एंड टे, तो ये भी साउंड करेगा श श। नीचे एग्जांपल है कुछ, श्पास श्पास, इसमें आप देख सकते हैं बीटा साइन पे मैंने दो एस लगा रखे हैं, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन साउंड ये ऐसे ही करेगा श्पास, इसका मतलब है फन। फिर है स्पोर्ट स्पोर्ट, स्टार्ट स्टार्ट, स्टूडियो स्टूडियो, तो स्पोर्ट स्टार्ट स्टूडियो, इनके जो स्पेलिंग है वो एज इट इज सेम है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, बट वहाँ पर श लगेगा और इंग्लिश में स, तो ये फर्क होगा। एस के पीछे जब भी पे एंड टे होगा तो श। आगे चलते हैं अब। अच्छा, आप देखिए नंबर 10, एनी जर्मन वर्ड हैविंग आ उ इन इट, तो ये साउंड करेगा आओ आओ। एग्जाम्पल डी फ्राओ, डी फ्राओ मीन्स वाइफ। नंबर 11, एनी जर्मन वर्ड हैविंग ए उ इन इट, तो ये साउंड करेगा ओए ओए। एग्जाम्पल ओयरोपा, ओयरोपा मीन्स यूरोप। नंबर 12, एनी जर्मन वर्ड एंड्स विथ टे ई ओ एन, तो ये साउंड करेगा सियोन सियोन, मोटिवासियोन जो है मोटिवेशन, और नीचे है रिसेप्सियोन रिसेप्सियोन, जिसे हम फ्रंट डेस्क या रिसेप्शन बोलते हैं, तो ये साउंड करेगा सियोन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, तो अब ये स्क्रीन पे आपके सामने वॉवल्स हैं, वॉवल्स को हम जर्मन में टी फोकाल बोलेंगे। मैं हल्का सा आ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी नाउन के पीछे या किसी भी वर्ड के पीछे अगर ए ऐड होगा तो हल्का सा अ आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, डी फोकाल। तो ये सेम है, कोई फर्क नहीं है। इंग्लिश में हमारे जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, वही जर्मन में है आ ए ई ओ उ, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई टफ नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो एक लैंग्वेज का पार्ट था, अब थोड़ा सा जर्मन नॉलेज, सॉरी जनरल नॉलेज जो जर्मनी से रिलेटेड है। ये आप स्क्रीन पे, आप लेफ्ट साइड पे जो एक मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये जो हैं इनका नाम है पीटर हेनलाइन, पीटर हेनलाइन, और साइड में एक जो है पॉकेट वॉच है। तो इन्होंने, पीटर हेनलाइन ने पॉकेट वॉच जो होता है इसका इन्वेंशन किया था। नीचे आप देख सकते हैं अचीवमेंट क्या था इनका, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉकेट वॉच जो इन्होंने इन्वेंट किया था। आप हैरान होंगे
अमेज्ड होंगे, 1505 में, बहुत साल पहले, और बाय ऑक्यूपेशन ये वॉचमेकर थे, और कोई ऑथेंटिक इनका नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन जो मुझे अपने सोर्स से पता लगा वो ये कि ये 1485 नूरनबर्ग जर्मनी में पैदा हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 1542 नूरनबर्ग जर्मनी में ही। नेशनैलिटी इनकी जर्मनी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जर्मन लोगों का, जर्मनी कंट्री का बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। कुछ आपको पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताता जाऊंगा आने वाले सेशंस में भी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, और इसको रिपीट करके देखिए। और आने वाले सेशंस में भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पिछले सेशंस को, पिछले टॉपिक को ज़रूर आप रिवाइज़ करके रखें, क्योंकि आगे चीज़ें क्लब होती जाएंगी, तो पीछे का जो कंटेंट है जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, लैंग्वेज को सीखना कोई आसान काम नहीं होता है, और वो भी किसी और की लैंग्वेज को। टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, और एफर्ट्स लगते हैं। तो एक डिटर्मिनेशन से सीखिए, गिव अप मत कीजिए, और तरीके से सीखिए। कोई भी फील्ड हो तो पीछे का रिकॉल ज़रूर करना चाहिए। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं थर्ड वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।